बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अक्टूबर की 12 तारीख है और पीर का दिन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, यानी कार्बोहाइड्रेट से क्या मुराद है, इनकी दर्जाबंदी और अहमियत बयान करें। कार्बोहाइड्रेट ये नामियाती मरकबात हैं जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल हैं। इनको नशास्ता भी कहते हैं और सैकराइड भी कहते हैं। ये जानदारों और पौधों में खूसन पाए जाते हैं क्योंकि ये पौधों में एक ख़ास अमल नूरी तरकीब यानी फोटोसिंथेसिस के नतीजे में पैदा होते हैं। दर्जाबंदी कार्बोहाइड्रेट में सादा शक्कर के मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं। इसके सादा यूनिट को सैकराइड कहते हैं और इनको मंदरजा ज़ैल ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। मसलन मोनोसैकराइड सादा कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें सादा शक्कर का एक यूनिट मॉलिक्यूल होता है। इसमें कार्बन एटम की तादाद 3 से 9 तक हो सकती है। मसलन ग्लूकोज आम तौर पर तमाम फलों में पाया जाता है। अंगूर और खजूर में ज़्यादा मकदार में मिलता है। इनका जायका बहुत मीठा होता है। नंबर 2 पे ओलिगोसैकराइड, ये कम पेचीदा कार्बोहाइड्रेट हैं। इसमें सादा शक्कर के 2 से 9 तक यूनिट मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनकी मिसाल चीनी है जो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज के 2 सादा शक्कर के मॉलिक्यूल पर मुश्तमिल है। इसी तरह माल्टोज और लैक्टोज भी इसकी इकसाम है। इनका जायका कम मीठा होता है। नंबर 3 पे पॉलीसैकराइड, ये 10 या 10 से ज़ायद सादा शक्कर सैकराइड्स के मॉलिक्यूल से मिलकर बनते हैं। ये कुदरत में कसरत से मिलते हैं, मसलन स्टार्च, ग्लाइकोजन, ट्रैगाकंथ, गम, केशिया। ये बेजायका होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत, कार्बोहाइड्रेट्स का जानवरों की रोज़मर्रा ज़िंदगी में अहम रोल है। ये इनके लिए तवानाई का बड़ा ज़रिया हैं। इसके अलावा इनके अहम काम दर्जा ज़ैल हैं। ये जानवर की खुराक का अहम जुज़ हैं और तवानाई ज़खीरा करने में इनका अहम रोल है। ये जानदारों के खुलियात की साख्त का हिस्सा हैं। फार्मा इंडस्ट्री में इनकी अहमियत मुसल्लमा है। मसलन स्टार्च गोलियां बनाने के लिए, वज़न बढ़ाने वाले एजेंट, बाइंडर तहरील करने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग्लूकोज, चीनी, शुगर कोटिंग में इस्तेमाल होते हैं। गम अकेशिया और गम ट्रैगाकंथ सस्पेंशन और मेल्शन की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं। यह है आज का सवाल। मेडिकल एंड सोशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। शुक्रिया।